प्रॉपर्टीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, नाम से पता चल रहा कार्बन प्लस हाइड्रेट, यानी इसका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CXH2OY होता है। ये कार्बन ओके प्लस ये हाइड्रेट, तो दोनों से क्या मिलके बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो नाम समझ में आया होगा जनरल फॉर्मूले से। इसको देखते हैं तो पता चलता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का विशिष्ट बंध वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का विशिष्ट बंध क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जबकि प्रोटीन का क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जबकि लिपिड का क्या होता है एस्टर बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है में एस्टर क्रियात्मक समूह ओके उपस्थित होता है, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जो प्रोटीन में होता है उसमें एमाइड समूह उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि बोलो वायवीय श्वसन, आपको पता हमारे शरीर में ऊर्जा एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला क्रियाधार फर्स्ट सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकेंड फैट होता है और थर्ड प्रोटीन होता है। ओके, यानी जब भी हम स्टार्वेशन में रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक नहीं करते हैं तो फैट से बॉडी एनर्जी लेने लगती है। लेकिन लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जब होने लगेगा तो ये हार्मफुल प्रोसेस है, कौन सा बोलो प्रोटीन वाला। ओके, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। यानी क्या कहना चाहता हूँ, कार्बोहाइड्रेट किसी भी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड या कीटोन में से एक आपका ग्रुप उपस्थित होता है। जैसे दो एग्जाम्पल लिए, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, दोनों कार्बोहाइड्रेट है, दोनों हेक्सोज है, लेकिन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक एल्डिहाइड समूह और बाकी बोलो अल्कोहल समूह है, इसलिए ये क्या हुआ पोली, ठीक है पोली यानी मोर देन वन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यानी OH और एल्डिहाइड, क्लियर, एल्डिहाइड। ओके, उसके बाद ये जो मैंने स्टार लगाए हैं, ग्लूकोज के अंदर कितने क्रियल कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 4 क्रियल कार्बन उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4 क्रियल कार्बन। ओके, और इसमें हमेशा जो एल्डिहाइड समूह होता है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा होता है, और इस ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ओके, इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये इसके कॉमन नेम है, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। रक्त शर्करा भी कहते हैं और अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। फ्रुक्टोज की बात करें, ये भी एक्सोज होता है C6H12O6, लेकिन ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, और इसके अंदर OH ग्रुप और एक क्या होता है कीटोन, और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है। इसमें 3 क्रियल कार्बन उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं बोलो, 3 क्रियल कार्बन। और जो फ्रुक्टोज होता है उसे फ्रूट शुगर, फलों की शर्करा भी कहा जाता है, फलों की शर्करा, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, कार्बोहाइड्रेट केमिकली स्ट्रक्चरली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ओके, उसके बाद अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट स्वाद में टेस्ट में मीठे होते हैं, एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड, क्योंकि पॉलीसेकेराइड टेस्ट लेस होते हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एब्सेंट होता है, भाई मोनोसेकेराइड तो एक सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उसमें बॉन्ड कहाँ से होगा, बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक तो तब बनेगा जब 2 या मोर देन 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे। ओके, 1 ग्राम अगर हम देखें तो फैट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ओके, 1 ग्राम से ऊर्जा मिलने का क्रम पहला नंबर फैट का है, दूसरा प्रोटीन का है, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का है, फिर भी
बोलो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा, क्योंकि पहला सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है। हम डेली इंटेक फूड में कार्बोहाइड्रेट अमाउंट में ज़्यादा खाते हैं, इसलिए पहला सबस्ट्रेट भी कार्बोहाइड्रेट होता है और शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर 1 ग्राम ले लिया जाए तो तब आंसर फेट होगा, वसा होगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं इस 10 पॉइंट से। ओके, उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। मैंने पहले ही बताया 2 सेक्शन तैयार हो गए, कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी, चाहे जनरल फॉर्मूला हो, कार्बन हाइड्रोक्सीजन से मिलकर बनाओ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सीएडिएट कीटोन हो, वाटर सोलेबल हो, स्वाद में मीठे हो। ओके, ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 2 आधार पर है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का, एक शुगर और एक नॉन शुगर। तो शुगर किसको कहेंगे? जो क्रिस्टलीय ठोस हो, जो स्वाद में मीठे हो और जो कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हो, उन्हें शुगर कहा जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एटसेट्रा। नॉन शुगर जो बोलो क्रिस्टलीय ठोस हो, स्वादहीन हो, जल में अघुलनशील हो, उन्हें हम नॉन शुगर कहते हैं, जैसे सेल्युलोज है, स्टार्च है। इसका मतलब हुआ, यहाँ के पता चला कि सभी शुगर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर्स नहीं होते। ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट शुगर। ध्यान रखना, क्या सही बात है? यहाँ पर सभी शर्करा, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शर्करा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं मेन क्लासिफिकेशन। बोलो सैकेराइड की संख्या और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड की संख्या देखें, सैकेराइड का मतलब होता है यूनिट। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? यूनिट। तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड का मतलब एक यूनिट, एक से मिलकर बना होगा। और आपसे मैं कह रहा हूँ ओलिगोसैकेराइड का मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड। ओके, और मोर देन 10 होगा तो पॉलीसैकेराइड। उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जब यूनिटी एक है तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एबसेंट होगा, इनमें प्रेजेंट होगा। स्वाद में मीठे मीठे और ये क्या होगा? स्वादहीन। और हाइड्रोलाइसिस, जब इसमें बॉन्ड ही नहीं है तो एबसेंट, इनमें प्रेजेंट प्रेजेंट, क्लियर। और जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 3 से लगाकर 7 कार्बन वाले होते हैं। ओके, और सबसे पॉपुलर एग्जांपल बताऊं तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, नाम सुने होंगे, दोनों पेंटो शुगर है। राइबोज आरएनए में उपस्थित पेंटो शुगर है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में उपस्थित पेंटोज शुगर है। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, राइबोज भी पेंटो शुगर है, फॉर्मूला C5H10O5, ये भी पेंटोज शुगर है, C5H10O4। डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दोनों पेंटो शुगर है। ओके, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है, राइबोज आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। उसके बाद ग्लूकोज ग्रेप शुगर कहते हैं, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, गलेक्टोज ब्रेन शुगर, बेनोज, ये सब बोलो किसके एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड के। फिर ओलिगोसैकेराइड में सबसे पॉपुलर होता है डाइसैकेराइड, 2 यूनिट से मिलकर बना। 3 पॉपुलर एग्जाम्पल, लैक्टोज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज सभी क्या है? डाइसैकेराइड है। और जो सुक्रोज होता है उसको गन्ने की शर्करा केन शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं, रसोई घर की शर्करा किचन शुगर भी कहते हैं। और ये जो सुक्रोज होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है, बोलो नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, यानी अनअपचायक शर्करा होता है, अनअपचायक शर्करा, ठीक है। ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद
पॉलीसेकेराइड की बात करें, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, हिपेरिन सारे पॉपुलर है। सेल्यूलोज आप जानते हो कि ये प्लांट सेल वॉल का मुख्य घटक होता है। स्टार्च पादपों में संचित भोजन का रूप होता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन का रूप होता है। पेक्टिन को प्लांट सीमेंट कहा जाता है। हिपेरिन हमारी बॉडी का ब्लड में नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटी ब्लड कोगुलेंट प्रतिरक्त स्कंदक होता है और ये नेचर में कार्बोहाइड्रेट होता है। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। ओके।